बुलंदशहर से रेशु कुमार, पत्रकार की रिपोर्ट। सरसों के तेल का गंदा खेल। बुलंदशहर जैसे ही सरसों के तेल के दामों में आग लगी, वैसे ही मिलावटखोरों ने सरसों के तेल का गंदा धंधा शुरू हो गया है। बुलंदशहर में फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने पुलिस बल के साथ अनाज मंडी में रेड की और मिलावट के शक में वहां से सरसों के तेल के करीब 50 कार्टूनों को जब्त कर लिया। जब्त कार्टूनों में सरसों के तेल की मात्रा 5-6 क्विंटल बताई जा रही है। वहीं फूड सेफ्टी विभाग की कार्रवाई से मिलावटखोरों में हड़कंप मच गया है। अनाज मंडी स्थित सरसों के तेल के गोदाम और दुकान पर रेड की यह तस्वीरें बुलंदशहर के हैदराबाद की है, जहां रेड के दौरान टीम ने कोल्हू बेल और श्री दर्शन ब्रांड के डिब्बा बंद सरसों के तेल के 3 नमूने लिए और जांच के लिए प्रयोगशाला भेजने की तैयारी शुरू कर दी। टीम ने गोदाम से 5-6 क्विंटल सरसों के तेल भी सील किया और बॉन्ड भरवा कर तेल की खेप को गोदाम मालिक की सुपुर्दगी में दे दिया। प्रथम दृष्टया सरसों का तेल मिलावटी माना जा रहा है, हालांकि इसका पता तेल की जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद ही चल पाएगा कि तेल में किस तरह की मिलावट की गई है। फूड सेफ्टी विभाग की इस सख्त कार्रवाई से मिलावटखोरों में हड़कंप मच गया है। फूड सेफ्टी विभाग की टीम हंगामा और विरोध की आशंका के मद्देनजर पुलिस बल को साथ ले गई थी, ताकि किसी भी अनहोनी से निपटा जा सके। सर, फूड सेफ्टी विभाग ने सिकंदराबाद में बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें कई क्विंटल सरसों का तेल मिलावटी तेल को जब्त किया गया है, और क्या क्या कार्रवाई इसमें की गई है सर? एक्चुअली हमारा अभियान चल रहा है सरसों का तेल और दाल पे, उसी क्रम में आज मैं हमारी टीम द्वारा सिकंदराबाद में जिंदगी मंडी में शिकायत मिल रही थी कि दर्शन ब्रांड का जो है सरसों का तेल काफ़ी ख़राब बिक रहा है। उसी को मद्देनजर रखते हुए टीम के साथ आज सिकंदराबाद में कार्रवाई की गई, और जो है वहाँ पे जो मौके पे लगभग 50 गत्ते सरसों का तेल मिला, सीज किया गया और 90 नमूने लिए गए दर्शन ब्रांड के तथा 1 नमूने जो है कोटू राज ब्रांड का सरसों का तेल। अच्छा, प्रथम दृष्टया सरसों के तेल में किस प्रकार की मिलावट आप समझते हैं, क्योंकि आप तो तजुर्बेकार अधिकारी हैं, तो पता चल जाता है एक्सपर्ट्स लोगों को? अब उसमें सरसों के तेल में जैसे आर्जीमोन मिले होने की शिकायत रहती है, और बटर येलो कलर मिला के भी बेचा जाता है, तो प्रयोगशाला लैब में भेज दिया गया है और जैसी रिपोर्ट आएगी। अब रिपोर्ट आ जाए तो उसमें क्या आर्जीमोन यदि कलर मिलता है तो उसके मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। जो सेंसिटिव पार्ट्स हैं इंटरनल डॉक्टर बता पाएंगे, मतलब ये कि मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। ठीक,